हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। ये है iPhone 7 Plus। iPhone 7 Plus का देख सकते हैं, आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा। आईफोन इज़ डिसेबल, तो इसको आज एनेबल करूँगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखेगा और बहुत ही ये है अच्छा तरीका है। अभी अनलॉक टूल में अपडेट दे दिया है, EFT प्रो में अपडेट दे दिया है, तो पहले हम इसको जो है अनलॉक टूल से ही ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले जो है 3U टूल को ओपन करना पड़ता है। उसको ओपन करने के बाद जो है आपको इसको जो है ये करना पड़ेगा, DFU मोड में लगाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, डाउन बटन पावर बटन दोनों को प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही स्क्रीन ऑफ होगा तो 10 सेकंड के बाद जो है पावर बटन को छोड़ देना है और आपका डाउन बटन को प्रेस करके ही रखना है। जैसे अभी हम प्रेस करके हैं डाउन बटन, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका 3U टूल में यहाँ पे बता दिया डिवाइस कनेक्टेड DFU मोड। ठीक है, तो अब हम DFU मोड जो कनेक्ट हो गया, तो अब हम यहाँ पे एप्पल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे रैम डिस्क में क्लिक करेंगे और यहाँ पे PWNDFU इसमें क्लिक करेंगे। ये मैं लगा दिया हूँ इसको, अभी मैं क्या करूँगा, पहले तो इसका PWNDFU मोड में इसको चेक कर लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, EFT प्रो में एक बार फिर से दोबारा ट्राई करेंगे। हाँ चलो कोई नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये चेक कंप्लीट हो गया है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनलॉक टूल में जो है ये जेनरिक में जेनरिक को सेलेक्ट करके यहाँ पे बूट रैम डिस्क में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है, ये लोडर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोडर को कॉपी करके इसका कहाँ पर डालना होता है वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है मेरा बैकअप करके लोडर रखा हुआ है। ठीक है, EFT का बैकअप है, ये अनलॉक टूल का बैकअप लोडर होगा यहाँ पे। ये है लोडर। ठीक है, हम लोडर को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और सी ड्राइव में जा कर के इसका अनलॉक टूल जो है, अनलॉक टूल के अंदर जा कर के यहाँ डाटा फाइल में जा कर के एप्पल में जा कर के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको फिर से बूट रैम डिस्क जो करूँगा तो ये इजीली बूट रैम डिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है अब हम फिर से इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे फिर से जो दोबारा बूट रैम डिस्क में क्लिक करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी जो लोडर मांग रहा था वो लोडर अब नहीं मांगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बार शायद पावर बटन को प्रेस करना पड़ता है, प्रेस करके छोड़ देना पड़ता है। 20% में आएगा तो पावर बटन एक बार प्रेस करना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली जो है अब इसको अभी प्रोसेस में है, फिर से 30% में मतलब नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ मैं। Thank you.
तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बूट रैम डिस्क कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो बैकअप पासकोड है यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ये पहले बैकअप ले लेंगे, उसके बाद इसको फैक्ट्री रीसेट मार देंगे यहाँ से। तो पहले बैकअप हम कम्प्लीटली ले लेते हैं इसका। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैकअप सेव हो चुका है, आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं बैकअप सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करते हैं और अनलॉक टूल को फिर से यहाँ पर जो है फैक्ट्री रीसेट में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे फैक्ट्री रीसेट में क्लिक किए तो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इरेज वॉल ओके बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से जैसे ये ऑन होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा ट्यूबलेट जो है बहुत डिस्टर्ब करता है। तो जैसे ही ये कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको DFE मोड में लगाएंगे और फिर से इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद फिर से बूट रैम डिस्क में क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है रिस्टोर बैकअप कर लेंगे, बस इजीली ये काम हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जब तक सेट ऑन नहीं हो रहा है तब तक वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इरेजिंग कंप्लीट यानी स्टार्ट हो गया है, इरेजिंग हो रहा है फ़ोन मेरा, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली सेट जो है ऑन हो चुका है। अब हम इसको सेटअप करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लिए, कंटिन्यू कर दिए, तो यहाँ पर जो है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बोला, तो मैं वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जूम करके ही दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेटिंग करने के लिए बोल रहा है, तो देखता हूँ कितना देर लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आ गया है कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यू करते हैं, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम अभी कोई फिंगर वंगर नहीं लगाएंगे, तो सेटअप लेटर टच डोंट यूज, और यहाँ पर जो है डोंट पास कोड, डोंट पास कोड, और यहाँ पे फॉरगेट आईडी में यहाँ पे
समझ में नहीं आ रहा है कि किस में क्लिक करूं। तो देख सकते हैं ये जो है हम फैक्ट्री रीसेट मारे हैं तो डायरेक्ट ये ऑन हो चुका है। तो हम इसका जो है चेक कर लेते हैं, स्टार हज 06 हज दे करके आईएमई नंबर है कि नहीं है। तो आईएमई नंबर है इसका, तो इसमें आप सिम लगा के भी ट्राई कर लेते हैं ताकि पता चले कि हाँ सिम तो देखने लगे जिस सिम ये चल रहा है। पासकोड डिसेबल होने से कोई कोई फ़ोन में विदाउट बैकअप लेने से भी शायद हो जाएगा। इसमें तो हम बैकअप ले लिए ताकि मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, पहले बैकअप हम ले चुके हैं और अब हम सिम लगा करके ट्राई कर लेते हैं कि सिम चलता है कि नहीं चलता है। सिम अगर नहीं चलेगा तो फिर से हमको दोबारा से इसका जो सेटअप है वो करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं चेक कर लेता हूँ, फिलहाल अभी तक तो नो सर्विस बता रहा है। तो नेटवर्क आ गया है यहाँ पे, अपडेट करने के लिए भी बोल रहा है क्या अपडेट करना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क भी आ चुका है और हम यहाँ पे एक बार कॉल भी कर मतलब करके देख लेते हैं। देख सकते हैं कॉल भी यहाँ पे लग चुका है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजीली ये हो गया है, यानी बैकअप लीजिए या ना लीजिए, डिसेबल है तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट मार सकते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, इरेज वॉल कर देता है। तो ये पहली बार हुआ कि इरेज वॉल करने से जो है बैकअप तो हमने ले लिए लेकिन रिस्टोर बैकअप नहीं करना पड़ा और ये फ़ोन कम्प्लीटली चलने लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब हमको और कोई परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि पहले का मेथड में क्या है कि पहले बैकअप लीजिए फिर फ्लैशिंग कीजिए फिर से बैकअप रिस्टोर कीजिए। तो अभी फ़िलहाल ये बिना बैकअप का ही हो गया है, तो ये एक नया मेथड हो गया। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो में लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके पास कोई भी डिवाइस डोंगल नहीं है तो कोई भी मोबाइल का अनलॉकिंग करा सकते हैं। आप मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं।